ये सब क्या है? मैंने तो नहारी का ऑर्डर दिया था। सर वो मिस सहर ने आपका ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। यू मे गो नाउ। जी सर, आपने मुझे बुलाया। व्हाट इज दिस? फ्रूट बास्केट। और ये ग्रेप फ्रूट का जूस, सीरियसली? मुझे जरा ये बताइए, बिना मेरी परमिशन आपने मेरा नहारी का ऑर्डर कैसे कैंसिल करवाया? क्यों? वहां पर जो रिपोर्ट्स पड़ी हैं, कभी गौर से देखा है उन्हें आपने? आई एम सॉरी, मैं आपके ड्रॉअर में कुछ चीजें सेट कर रही थी तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ ली। आपका शुगर 400 पे पहुंचा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। आपको पता है अगर ऐसे ही आप बदपरहेजी करते रहे तो क्या होगा? इंतकाल हो जाएगा। आई मीन मर जाऊंगा मैं, यही कहना चाह रही है ना? अल्लाह ना करे सर, मरे आपके दुश्मन। मौत की दुआएं तो हम जैसे लोग करते हैं जिन्हें जीने के लिए 10 दफा सोचना पड़ता है। आपको पता है सर, बुरे लोगों से तो ये दुनिया भरी हुई है, लेकिन आप जैसे नेक, शरीफ और अच्छे इंसान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है हम जैसे लोगों के लिए। आप तो वसीला हैं। आप देखिए ना, आपकी वजह से इस ऑफिस में कितने लोगों के घर का चूल्हा जलता है, इसलिए आपका फिट रहना बहुत जरूरी है। मैं तो हैरान हूं कि आपके घर वाले इतनी नेग्लिजेंस कैसे कर सकते हैं। नहीं नहीं मैं सर, घर पर मेरा भरपूर ख्याल रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है सर? आई एम श्योर आपकी वाइफ भी होंगी, क्या उन्हें भी आपका ख्याल नहीं? वो कैसे आपको ये सब कुछ खाने देती हैं? खैर, अगर आपने फिर भी निहारी खानी है तो मैं ये ले जाती। नहीं नहीं रुक जाए, डोंट डू दैट। आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, जब तक मेरी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आ जाती तब तक मेरा आपसे वादा है कि मैं अपना भरपूर ख्याल रखूंगा, लेकिन जैसे ही मेरा शुगर लेवल और मेरी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स क्लियर आ जाएंगी तो फिर आप भी मुझसे कमिटमेंट कीजिए कि नहारी मुझे बहुत पसंद है, मैं खाऊंगा। ऑफ कोर्स सर, बल्कि मैं खुद अपने हाथों से बना के दूंगी आपको। और इनफैक्ट और कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू। नीसम बद वफा कितना सूट करता है ना ये नाम, एक दूसरे के साथ। शिजा वेड्स मीसम। वाव चाचू, फाइनली आपके कार्ड पे सुनहरे हरूफ से आपकी ब्राइड का नाम लिख लिया गया। तो हाउ आर यू फीलिंग चाचू, कैसा लग रहा है आपको? अब से आपकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है और शिजा आपी इस घर में आपकी दुल्हन बन के आने वाली है। तो हाउ आर यू फीलिंग चाचू? बुरी बात है, क्यों चाचू को तंग कर रही हो? भाई यही तो मौका है तंग करने का, ये इवेंट्स रोज थोड़ी ना होते हैं। क्यों चाचू? भाई आप तो ऐसे
ऐसे मुंह लटकाए बैठे हैं जैसे इनकी जबरदस्ती शादी हो रही हो। थोड़ा डांस वांस करें, भंगड़ा डालें, भाई सबको पता चलना चाहिए कि इस घर में शादी होने वाली है। अच्छा बेटा, अब तुम अपने चाचू की टांग खींचोगी। चलो अगर ऐसी बात है तो इसका भी सलूशन है मेरे पास। भाभी अब एक काम कीजिए, मेरे साथ साथ लाइबा के भी हाथ पीले कर दीजिए। वेरी फनी चाचू, मजाक छोड़े ना। वैसे चाचू मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना है। पिछले दिनों बहुत कंफ्यूजन थी कि कार्ड पे वफा का नाम होगा या फिर शिजापी का। Well, now everything is settled और हम सबको पता है कि मीसम चाचू की सोलमेट शिजापी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मोहब्बत ज्यादा खूबसूरत थी या फिर दोस्ती? और चाचू, अगर आपको आपकी मोहब्बत पाने का मौका मिले तो क्या आप उसे अवेल करेंगे? टेल मी, बताए ना चाचू, बता के जाएं, दिस इज नॉट फेयर। आर यू इन योर सेंसेस? क्या जरूरत थी वफा का नाम लेने की चाचू के सामने? मॉम, आई वाज जस्ट जोकिंग। और हर बात पकड़ने की तो नहीं। जस्ट शट अप। अपने जोक्स का शौक यूनिवर्सिटी में पूरा किया करो। अब जाओ अपने कमरे में। जस्ट गो। लाइबा बच्ची है, उसकी बात को दिल पे क्यों लगा रहे हो? ठीक है तो कह रही है वो भाभी, मोहब्बत में हारा हुआ इंसान ही तो हूँ। भूल जाओ उसे मीसा, तुम्हारा मासी तुम्हारे आज को धुंधला कर रहे। जितनी भी कोशिश कर लो ना भाभी, मेरा माजी एक आईने की तरह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता, जो चीख चीख कर मुझसे कहता है कि जो भी फैसला तुमने किया जज्बात में किया। मिसर, कभी कभी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना पड़ता। कोशिश कर तो रहा हूं, खुश रहने की, साथ में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा बस, अब ये मेलो ड्रामा बंद करो, असद को शादी के कार्ड पहुंचाने। चलो चलो। फोन पॉलिसी वगैरह सारी चीज़ें, फ्लीट मेथडोलॉजी, ये स्ट्रक्चर है हमारा पूरा, ऑफिसर रिलेटेड ऑफिसर्स डिफरेंट, और ये कस्टमर क्लाइंट्स। अरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर इसने मुझे देख लिया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये यहाँ कर क्या रहा है?
एक सेकंड असद भाई, कॉल आ रही है। शिजा बहुत जरूरी है, उठाओ मैं अंदर वेट कर रहा हूं। अच्छा चलें ठीक है। हेलो, हाँ क्या हाल है? आई एम ओके। हाँ यार बस वो असद भाई के ऑफिस आया था वेडिंग कार्ड्स लेके, वो देने थे ना। कमॉन शिजा, मैंने एक दफ़ा बोल दिया ना कि मैं आ रहा हूँ, मुझे बार बार कॉल करके क्यों इरिटेट कर रही हो? हाँ अच्छा ठीक है, ओके, हाँ ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी में, सब खैरियत तो है? अरे असद भाई क्या बताऊँ मैं आपको, लड़कियों को टॉलरेट करना ना बहुत मुश्किल काम है, लाइक सीरियसली। अब शिजा को कौन समझाया कि सिर्फ उसकी शादी नहीं है बल्कि मेरी भी है। बेटा ये बीवियां ही होती हैं जो इंसान के हर अच्छे और बुरे वक्त में काम आती हैं, और यही वजह है कि वो अपना हक भी जताती हैं। और तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि शिजा जैसी बाकिरदार और समझदार बीवी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है, और तुम वो उस लड़की से बच गए जिसे तुम शादी करने जा रहे थे। वो क्या था उसका बाप? वो हाँ, शेख ईसा की कंपनी का MD। वाओ। अच्छा छोड़े ना इन बातों को। अच्छा खैर बताओ कैसे आना हुआ? हाँ मॉम ने इनविटेशन कार्ड्स भेजे हैं ऑफिस के कलीग्स के लिए। हाँ। जावेद साहब मुझे भाई नजर नहीं आए, वरना मैं उन्हीं को दे दूँ। जावेद साहब आज छुट्टी पर हैं, तो चाय पियोगे कॉफी? आई नो आई एम गुड थैंक यू। वो शिजा की कॉल्स आ रही हैं, सो आई एम गोना टेक इट राइट। चलो ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी लगवाता हूँ किसी की। जी मिस सर मेरे रूम में आई क्या प्लीज? बुलाना था किससे जाऊं? कॉन्फिडेंस कह दूंगा मैं, वो ये सब कर लेंगे। ठीक है परफेक्ट। यस प्लीज कम इन। जी जी आइए प्लीज मिस सर आइए। ये मेरे भाई की शादी के कार्ड्स हैं, प्लीज आप ऐसे कीजिए कि बाहर जितने भी स्टाफ कोलीग्स हैं उन सब में बंटवा दूं। मैम जी थैंक यू। ये लीजिए। तो और हाँ मिसहर, आप ने भी आना है शादी में, ओके? Thank you.
मीसम वेट्स शिजा, इसका मतलब असद का भाई और कोई नहीं मीसम है। ओह माय गॉड, मेरी बचपन की दोस्त है ये, जिसकी मोहब्बत को मैंने बुरी तरह से इग्नोर किया, दो टके कर करके रख दिया। हम मैं देखती हूँ कि तुम मीसम को मुझसे कैसे छीनती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ शिजा कि मीसम तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। अभी रिसेंटली हायर किया मैंने सहर को। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, माशाल्लाह नमाजी है, परहेजगार है, सबसे अच्छी बात है कि सच्ची और खरी। अच्छा, और एक मशवरा है मेरे पास, बच के रहिएगा असद भाई, अक्सर नजरें भी धोखा खा जाती है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, मेरी नजरें कभी भी धोखा नहीं खा सकती है। तुमसे ज्यादा उम्र गुजारी, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस। शिजा बार बार कॉल कर रही है, एक सेकंड। हेलो, हाँ शिजा, मैंने कहा ना मैं निकल रहा हूँ, क्यों बार बार फोन कर रही हो? असद भाई के साथ बैठा हूँ मैं यार। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। कहाँ जा रहे हो? टी कॉफी? नथिंग, शी इज सेइंग कि जल्दी आओ। अच्छा अच्छा, चलो तुम जो। आ रहा है भाई, आ रहा है, वो आ रहा है। सुन लिया तुमने, असद भाई कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। ओके, तसल्ली हो गई। ओके भाई, ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सही कहते हैं लोग, मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। पर तूने बिल्कुल सही रास्ता इख्तियार किया वफा, अब आएगा ना मजा, क्योंकि अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बात है मैडम, तुम्हारे हुए 12 बजे हुए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारा वेडिंग ड्रेस आ रहा है यार। और वैसे भी ये दिन एक लड़की की जिंदगी में कितने सालों के बाद आता है, और वैसे भी ये तो तुम्हारी ड्रीम मैरिज है ना। शिजा कम ऑन यार, इस डे को एंजॉय करो, स्माइल करो। पता नहीं, कभी कभी मुझे मीसम के लहजे से लगता है वो शादी नहीं चाहता। आई एम रियली स्केयर्ड। Come on, Shiza. Meesam is all yours. उस पे शक मत करो यार, प्लीज। शांति, शादी कोई 4 की कहानी तो नहीं है ना, जिंदगी भर साथ देने का नाम है, वो आज इग्नोर कर रहा है, जिंदगी भर साथ कैसे निभाएगा? मीसम कोई 4 का बच्चा तो नहीं है ना शिजा, कि उसे ये बताने की जरूरत हो कि शादी जिंदगी भर का साथ है, कोई 10 की कहानी तो नहीं। और यकीनन अगर मीसम ने शादी करने का फैसला किया है तो उसमें उसकी मर्जी भी तो शामिल होगी ना। और प्लीज तुम वफा को भूल जाओ एक भयानक ख्वाब समझ के, वो मीसम की जिंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करती, वो उसके साए से भी बहुत दूर है। प्लीज, आई विश ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। ऐसा ही है मेरी जान, अपना मूड ठीक करो और रात की तैयारी करो, चलो खुश रहो। चले नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मिसेस सिकंदर कि आप शादी पे ना हो भाई, आपके बिजनेस पार्टनर के इकलौते भाई की शादी है, आप नहीं होंगी तो मजा थोड़ी आएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह आप सब शादी पे मुलाकात होगी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। हाँ नीलम बाजी, खाने में क्या बनाऊं? खाने में तुम आज बना लो चिकन पुलाव, लेकिन नहीं,
असद साहब को चिकन पुलाव पसंद नहीं है, तो तुम एक काम करो, असद साहब के लिए तुम निहारी बना लो और हम सबके लिए चिकन पुलाव। जी ठीक है। और हाँ, मीसम और असद साहब के लिए ना गाजर का हलवा भी बना लेना, और मीठा थोड़ा कम रखना, पता चले सारी चीनी डाल दो तुम। जी सही है। और जल्दी जाओ, हिलती नहीं है। अच्छा, मैंने क्या करना था, ज्वेलरी वाले को फोन करूं, जल्दी जल्दी करवाऊं काम, बहुत काम पड़ा है। ये देखो शिजा, कितना हसीन सेट है, तुम पे तो बहुत जचेगा, इसके झुमके देखो जरा, है ना अच्छा? किसका है? आपका है भाभी? नहीं नहीं, मेरा नहीं है एक्चुअली, मम्मी वफा को देना चाह रही थी। क्या बात है बेटा, किन ख्यालों में गुम हो गई? मेरा ख्याल है मीसम को मिस कर रही है। मैं शादी के दिनों में होता है ना, शादी के दिन करीब आते हैं, छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और होता है। क्यों शिजा? हमें तो कोई इतराज नहीं है, तुम अपने डैड से इजाजत ले लो। भाई वकार को कोई एतराज हो ना हो, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम जब चाहे मीसम से मिलो, बल्कि उस नालायक के कान खींचो, उसको अच्छी तरह समझाओ, जरा तमीज सिखाओ। अरे क्या भाभी, मीसम एक बहुत अच्छा लड़का है, और मेरी शहजाद बहुत खुश नसीब है जो इसे मीसम जैसा जीवन साथी मिलने जा रहा है। भाई यही सर्टिफिकेट अगर मुझे शिजा से भी मिल जाए तो मेरा गुरूर और बढ़ जाएगा। क्यों शिजा? जी आंटी। फिर वही आंटी, बेटा मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मम्मी कहो। ये इसको क्या हुआ? I think अपनी मॉम को मिस कर रही है। हाँ, शादी के दिनों में बच्चियां काफी हसास और जज्बाती हो जाती हैं। सही कह रही है मम्मी, इस खुशी के मौके पर माँ बाप, बहन भाई, करीबी रिश्ते साथ हों तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह खुश रखे। क्या असद मीसम का भाई है? बिल्कुल ठीक करती है दुनिया, जैसे मर्दों को गाली देती है, एक ना मिली तो दूसरी सही। ऐसे मर्दों के साथ ना वफा करनी ही नहीं चाहिए, जो दो दिन में ही अपना रास्ता बदल ले। जो आग मीसम ने दिल में लगाई है वही आग में उसके पूरे घर में लगा दू। शेर और गीदड़ की जंग में ना जीत हमेशा शेर की होती है, समझी? मेरी बात मान, चुपचाप अपना रास्ता बदल ले और कोई और शिकार तलाश कर। शेस, दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं जिसका हल ना निकल सकता, और ऐसे भी जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। जो खेल मीसम ने शुरू किया है उसमें अभी मेरी बारी तो बाकी है। तू जितना आसान समझ रही है ना, ये उतना आसान नहीं है। वो बहुत बड़े लोग हैं यार, सिर्फ उस दिन तो बस तुम्हें जलील किया था ना उन्होंने, इस बार सीधा 420 का पर्चा कटवा के तुम्हें अंदर करवाएंगे। शायद मरने के खौफ से इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना, और वैसे भी इन अमीरों को इंसानों से ज्यादा अपनी शोहरत और स्टेटस की फिक्र होती है, इसलिए मैंने भी अब जान लिया है अब मैं सबसे बात असद को मोहरा बना के उस घर में कदम रखूंगी, और जो आग इस दिल में चल रही है उसमें मीसम को तड़पाऊंगी। इतना मजबूर कर दूंगी दोनों भाइयों को कि असद और मीसम
मेरे बगैर एक लम्हा भी ना गुजार सके। हाय, वो भाभी बता रही थी कि तुम कुछ परेशान हो, क्या बात है, खुलकर बोलो। डर रही हूँ मीसम। किस बात से शजा? डर इस बात का है कि सूरज और चांद की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, दोनों एक दूसरे के एंटी चलते हैं। सूरज सुबह की रोशनी देता है तो चांद रात का अंधेरा, और मुझे उसी अंधेरे से डर लग रहा है मीसम। डर लग रहा है कि अगर तुम मेरे होते हुए भी मेरे ना रहे तो तुम शक कर रही हो मुझ पे शजा। तुम्हारे चेहरे पे फैला हुआ पछतावा मुझे शक करने पर मजबूर कर रहा है मीसम। अभी भी वक्त है, अगर तुम अपने फैसले से पीछे हटना चाहते हो तो हट जाओ। यार शजा क्या हो गया तुम्हें? प्लीज जस्ट स्टॉप इट, रिलैक्स। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर आउट योर माइंड यार। तो फिर ये बात मेरे दिल मानने को तैयार क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि तुमने वफा को अपने दिमाग पर हावी कर लिया है, यही परेशानी है ना तुम्हें? तुम मेरी परेशानी दूर कर दो। शजा फॉर गॉड्स सेक, वो मर गई है, मर गई है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? खुदा का वास्ता है, मेरे माजी में खुद को मत ढूंढो वरना तुम मुझे भी खो दोगी। प्लीज जस्ट क्लियर योर माइंड, ट्रस्ट मी एंड फॉरगेट अबाउट इट। नीलम जाओ, छोटे साहब को बोलो खाना लग गया, जल्दी से आ जाए। ओहो निहारी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले जाओ दादू को बुला के लाओ। चलो चलो जल्दी जाओ। असद खाना लग गया, आ जाए। खाना लग गया? क्या बनाया खाने में? आपकी फेवरेट निहारी। और अब ये मत कहिएगा कि आप खाना खा के आए। आपका शुगर 400 पे पहुंचा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। आपको पता है अगर ऐसे ही आप बदपरहेजी करते रहे तो क्या होगा? सुनो ना, एक बात पूछूं। हाँ। क्या तुमने कभी मेरी रिपोर्ट चेक की है? मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया है कि कितना बढ़ चुका? चलो आज मैं तुम्हें खुद ही दिखा देता हूं। ऑफिस से साथ लेकर आए हैं रिपोर्ट्स, चलो पढ़ो। लेकिन असद आपको डाइटिंग पसंद नहीं है। सुनो ना, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, बात ख्याल रखने की है। बात एहसास करने की। वैसे भी तुम्हें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन पर तवज्जो देनी चाहिए और मुझ पर सख्ती करनी चाहिए। उल्टा तुम मुझे इस तरह के अनहेल्दी खाने खिला रही हो। आई मीन क्यों? आई एम सॉरी असद, लेकिन ये अचानक हेल्दी खाने का ख्याल कैसे आया? सुना ना, तुम अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा मुझसे सवाल कर रही हो, मुझसे कह रही हो तो मैं समझ। काश आज मेरे कहने से पहले तुम ये बात खुद ही समझ जाती तो बेहतर होता। ये काश। Okay.
व्हाट्स अप भाभी? हे, इज एवरीथिंग ओके? ओके, आई एम बेटर। अरे भाई बैठो, ये असद कहाँ है? बुलाओ उसे खाने के लिए। असद भाई तो डेफिनेटली आएंगे, उनकी फेवरेट डिश बनी है। जब उनको पता चलेगा ना कि निहारी बनी है, इतने खुश हो जाएंगे, आपकी सोच है। क्या तुमने कभी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया है कि कितना बढ़ चुका? मेरी वजह से आपा को सारे खानदान के सामने जलील होना पड़ा। दूसरों का गुनाह अपने सर पे लेना छोड़ दे अम्मी, बच्चों यही चाहती थी। अब खुद ही देख लें अम्मी, अपना नंबर वगैरह सब ऑफ कर दिया उन्होंने। इसका तो मतलब यही है ना कि वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मेरे नसीब में ऐसी हालात होगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। जी पता होता था मैं पैदा होते ही गला दबा देती है। अच्छा मैं छोड़े सब, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लें। नहीं वापस ले जाओ मुझे, भूख नहीं है। मम्मी जिद मत करें, आप जिसके लिए इतना तड़प रही है ना, वो अपनी जिंदगी मजे से जी रही है। प्लीज कुछ खा लें अम्मी, मैं कुछ नहीं जानती, आप खाएंगे। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए एक छोटा सा टुकड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या मतलब? मेरी असल जगह तो यही है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे इस कमरे में। मुझे भुला पाओगे तुम? मेरी यादों से भाग पाओगे? शिजा को मेरी जगह दे पाओगे? देखो ना, आज वो हो गया जो तुम हमेशा चाहते थे। तुम्हारे सामने बैठी हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वफा। हेलो, लगता है अब तो ख्वाबों में भी सिर्फ मेरा ही पहरा है। क्यों मीसम? क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रही हो तुम? अच्छा तो अब तुम मेरी फोन कॉल से तंग होते हो? तो जाहिर सी बात है, खुश होने की वजह भी तो नहीं है। सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं, कल शादी है तुम्हारी। तुम्हें कैसे पता चला कि कल मेरी शादी है? वाह, दिल के बर्बाद होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, और तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे कैसे पता? फिर भी तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए तुम्हें बता देती हूँ कि शिजा के स्टेटस पे देखा था। वफा प्लीज यार, एक रिक्वेस्ट है, मत करो मेरा पीछा, मैं किसी और का होने जा रहा हूँ। इट्स अ रिक्वेस्ट। होने जा रहे हो? कोई तो नहीं ना?
You know what? Don't waste my time. Okay, bye. नहीं नहीं, फोन मत रखना. मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ. क्या? तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा. कल मेरी शादी है और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता. जिंदगी को मजाक समझ के रखा हुआ है तुमने. जब दिल चाहा शीशे में उतार लिया, जब दिल किया आईना तोड़ दिया. भाई इतने सहने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर. यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ मीसम, कि मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं. मैं मर जाऊंगी. मौत तो बरहक है, आज नहीं तो कल सफर ही आनी है. सही कह रहे हो तुम, लेकिन मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो. क्या मीसम, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कसम है, बस एक बार मिल लो, एक आखिरी बार. तुमसे मिलके मुझे शायद जीने की उम्मीद मिल जाए. For God's sake, just stop it! Stop it! My God, समझ में क्यों नहीं आती? एक बात गौर से सुन लो वफा, अब तुम मुझे कभी भी नहीं मिल सकती, शक्ल भी नहीं देख पाओगी मेरी, कभी भी नहीं. सुना तुमने? इतनी आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानने वाली. मिलना तो तुम्हें मुझसे पड़ेगा.